सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दृष्टि माइनिंग को, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि माइनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कंटिन्यूस माइनर के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा यह है माइनिंग सरदार ओवरमैन हैंड रिटन नोट सीरीज का यह हमारा 18वां वीडियो है। फ्रेंड्स अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए जानते हैं कंटिन्यूस माइनर के बारे में। चलिए, कंटिन्यूस माइनर जो है कहाँ इंस्टॉल है और उसका काम क्या है और पर डे कितना उत्पादन हो रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए, कॉलरी काम प्रतिदिन टन उत्पादन में, कॉलरी चिरीमिरी में काम जो है डिप्लेरिंग में लिया जा रहा है कंटिन्यूस माइनर का, और प्रतिदिन 2400 टन उत्पादन हो रहा है। इनोरा में डेवलपमेंट वर्क में यहाँ पर 1800 टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट, बेरावाहा में डेवलपमेंट में और यहाँ पर भी 1800 टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। तांसी में डिप्लेरिंग में इस्तेमाल होता था, यहाँ पर 800 से 1000 टन प्रतिदिन उत्पादन होता था। कपिलधारा में डिप्लेरिंग में इस्तेमाल होता था वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉट सन 2003 में पूरी मशीन जो है 35 करोड़ में मिल जाती थी। कंटिन्यूस माइनर जो है 2003 में 35 करोड़ में मिल जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन क्या क्या लगाते हैं जब कंटिन्यूस माइनर चलता है, चलिए देखते हैं। एक तो कंटिन्यूस माइनर होगा, एक शटल कार होगी और रूप बोल्ट, कॉर्ड बोल्ट एक से दो होंगे, और रीडर ब्रेकर एक होगा, बेल्ट कन्वेयर एक होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूस माइनर एक, शटल कार एक, कंटिन्यूस माइनर एक और फ्रीडर ब्रेकर देख सकते हो, बेल्ट कन्वेयर और बोल्ट बोल्डर, ठीक है। डायग्राम आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, जिस तरह अभी अपन ने ऊपर पॉइंट को देखा है, ठीक है। इसमें एक कंटिन्यूस माइनर, दो शटल कार, रूप बोल्ट, कॉर्ड बोल्ट जो एक से दो, और फ्रीडर ब्रेकर एक, बेल्ट कन्वेयर भी एक, ठीक है। फ्रंट से इन मशीन लगाई जाती है कंटिन्यूस माइनर में। कंटिन्यूस माइनर के गैलरी का साइज बताइए, मतलब कंटिन्यूस माइनर जब चलता है तो उसमें गैलरी का साइज क्या होता है। गैलरी का साइज इसमें 4.2 मीटर से 4.8 मीटर होता है। इसमें 8 मोटर लगी होती है। कट ऑफ दूरी 15 मीटर चिरीमिरी में है और 3 मीटर तांसी में है, ठीक है। शटल कार जो है 2.5 मीटर चौड़ी होती है और यह 12 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चलती है और 1100 वोल्ट की सभी मशीनें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मशीन का ऑपरेशन देखते हैं, सक्षम व्यक्ति ऑपरेट करेगा, उसे मैनेजर द्वारा ऑथराइज किया जाएगा, वह ट्रेंड आदमी रहेगा, वह कंटिन्यूस माइनर की जांच करेगा, मैन्युफैक्चर ने जो लिस्ट दिया है उसके आधार पर, ठीक है। मशीन को चालू करने से पहले मशीन के आसपास कोई नहीं रहेगा, हुटर बजाएगा, पावर ऑफ होने पर ऑपरेटर सभी मोटर के पावर को बंद करेगा, कोई काम एनओपी के ऊपर खड़े होकर नहीं करेगा। जब भी मशीन चालू करेंगे हेडलाइट जलाकर रखेंगे, लॉक बोर्ड लगातार मेंटेन करेगा, ऑपरेटर रूफ की लगातार निगरानी रखेगा, यदि इसमें कोई खराबी होती है तो मशीन को बंद करेगा और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को खबर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस एंड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, मेंटेनेंस के बाद इंजीनियर से चेक कराना होगा। चलिए इलेक्ट्रिकल्स में देखते हैं, ट्रेलिंग केबल प्रॉपर कनेक्टिंग करना होगा, ट्रेलिंग केबल को फोल्डिंग करना होगा, हर शिफ्ट में चेक करना होगा, यदि केबल कट गया है तो नया केबल लगाना होगा, ठीक है। अब सुपरविजन देखते हैं कैसे कहते हैं। सुपरविजन में हर शिफ्ट में एक अंडर मैनेजर और इंजीनियर रहेगा सुपरविजन में। चलिए इसका विस्तृत विवरण देखते हैं, 8 mm से ज्यादा सीमेंट और रॉड के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेजिंग कैप्सूल में पूछा जाता है सीमेंट और रॉड के बीच कितना एमएम गैप होना चाहिए, तो 8 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ड्रम का लंबाई 3.3 मीटर होता है, मोटाई 1 मीटर, व्यास विड्थ सहित 1.1 मीटर, ठीक है। 0.75 मीटर गहरा काटता है,
9 मीटर प्रति मिनट से कोयला काटता है, एक उन्हें से 4 बेब काटता है। 0.75 मीटर मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 3 मीटर काटेगा इसी में, ठीक है, यह दानसी में। फिर मशीन के हर शिफ्ट में बाकी बचा कोयला काटेगा, कटिंग करते समय 15 मीटर तक जा सकते हैं, इसे कटआउट डिस्टेंस बोलते हैं। बिना सपोर्ट किए हुए 15 मीटर तक काट सकते हैं, 15 मीटर काटने से 90 से 120 मिनट लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कटिंग करने के बाद 4 घंटे के अंदर सपोर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सीएम कंटिन्यूस माइनर चलता है, ठीक है। श्रीमरी में 12 मीटर एक बार में कटिंग करता है, तानसी कन्हान क्षेत्र में है जो 3 मीटर कटिंग करता है, इससे ज्यादा कटिंग करने पर परेशानी होने लगता है, ठीक है। 150 लीटर प्रति मिनट पानी लगता है सभी ड्रमों में, ठीक है। 20 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर पानी का प्रेशर रहता है, पानी साफ सुथरा चाहिए और पानी में कैल्शियम की मात्रा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 40 टन वजन लेता है सपोर्ट करते समय जो जैक लगाते हैं, ठीक है। कार्ड बोल्टर सपोर्ट वाली मशीन का नाम है। 30 mm का वीट रहता है, 25 mm का रेजिंग कैप्सूल रहता है, 22 mm का रॉड का साइज है। 15 सेकंड घूमने के बाद जाम हो जाता है। बेयरिंग प्लेट जो है 10 mm मोटी लगाते हैं और इसका साइज जो है 150x150 mm का साइज रहता है। नट और प्लेट के बीच एक डोम वाशर लगता है। रेटिंग जो है 150 mm रहता है। तानसी में जो कैप्सूल आया है वह 30 सेकंड का था। अलग अलग टाइमिंग का चाहेंगे तो कैप्सूल बनाने वाली कंपनी आपको अलग अलग टाइमिंग का भी कैप्सूल देगा। नट के अंदर जो पानी डालते हैं 8 टन वजन सहन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सीम का ग्रेडियंट 1:6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 टन वजन के बाद सीरियल पिन लगाते हैं, उसे घुमाने के बाद टूट जाता है, ठीक है। 66 वीट टोटल लगती है। कंटिन्यूस माइनर में 0.5% से ज़्यादा CH4 गैस होने पर मशीन का ड्रम बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीएम मशीन 11 मीटर लंबी है। शटल कार 15 टन वजन लेकर चलता है। नेक्स्ट 20 मीटर तक रिमोट काम करता है। नेक्स्ट रूप बोल्ट कार्ड बोल्ट मशीन एक साथ 4 बोल्ट ग्राउट जाम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूस माइनर मशीन का चैन कन्वेयर जो कि पोल को शटल कार में गिराता है, वह दोनों साइड में 45 डिग्री एंगल तक मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, कार्ड बोल्टर मशीन जिसमें दोनों तरफ दो दो ड्रिल मशीन लगी रहती है, दो ऑपरेटर एक साथ 4 बोल्ट जाम कर सकते हैं। हाइड्रोलिक जैक जहां होल बनाते हैं उसके आगे लगाकर रखते हैं, ठीक है। सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट सभी जगह पर बीते समय पर और रूप का झुकाव 0 से 2 घंटे में रूप का झुकाव जो है 114 mm होता है और 2 से 4 घंटे में 1.47 mm झुकाव होता है। 4 से 12 घंटे में 3.22 mm रूप का झुकाव होता है और 12 से ज़्यादा घंटे हो जाए तो वहाँ पे रूप का झुकाव 5.53 mm होता है, ठीक है। चलिए कौन वजन कितना लेता है, चलिए कौन कितना वेट सहन करता है या फिर लेता है देखते हैं। कौन कितना वजन ले सकता है देखते हैं। लकड़ी का खूंटा जो होता है 5 से 6 टन लेता है फ्रेंड्स, ये अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। स्टील का खूंटा 10 से 12 टन, स्क्रू प्रॉप जैक वाला 12 से 15 टन, फ्रिक्शन प्रॉप 15 से 20 टन, हाइड्रोलिक प्रॉप 10 से 20 40 टन, लकड़ी का जो चौक होता है वह है 10 से 20 टन, लोहे का चौक जो है 20 से 30 टन और लकड़ी का जो क्रॉसबार होता है वह है 2 टन वजन लोड लेता है। और नेक्स्ट लोहे का जो गर्डर होता है 4 से 5 टन, सीमेंट कैप्सूल जो जाम करते हैं वह 8 से 12 टन, रेजिंग कैप्सूल जाम करते हैं तो वह 12 से 18 टन, स्टील आर्च वाला जो होता है वह है 30 से 40 टन और रूप स्टेचिंग जो होता है 10 से 12 टन लोड लेता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना वजन लोड लेता है। चलिए कंटिन्यूस माइनर के बारे में और जानते हैं।
कटिंग हेड इसमें 3.3 मीटर चौड़ा होता है, ड्रम का व्यास 1.12 मीटर का होता है, अलॉय ड्रम है, इसमें 66 पिक्स लगे होते हैं। कटिंग हेड को, नेक्स्ट पॉइंट है, कटिंग हेड को हाइड्रोलिक के सहारे जमीन से 4.5 मीटर तक ऊंचा उठाया जा सकता है। 170 किलोवाट की क्षमता के दो मोटर से घुमाया जाता है। नेक्स्ट, रूप से फ्लोर की तरफ कोयला गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सहारे काटता है। नेक्स्ट, गिरे हुए कोयले को समेटने के लिए गैदरिंग आर्म्स लगाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कटे हुए कोयले की चेन कन्वेयर द्वारा शटल कार में डालते हैं। नेक्स्ट, चेन कन्वेयर की चौड़ाई 7.60 mm की है। नेक्स्ट, एक मिनट में कम से कम 20 टन कोयले को होता है। नेक्स्ट, डिलीवरी जीप का काम करने में सुविधा हो इसलिए 45 डिग्री में घूम सकता है। नेक्स्ट, 2.41 मीटर की ऊंचाई तक भी उठा सकती है, जिससे आसानी से उसके नीचे शटल कार जा सके। नेक्स्ट, 40 टन मशीन के नीचे क्रॉलर चेन रहती है, जिसके सहारे एक जगह से दूसरी जगह मशीन ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये मशीन के 2 DC मोटर पर चलाई जाती है। नेक्स्ट, इस मशीन का उपयोग करके प्रति घंटा 500 टन कोयले का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मशीन रेडियो रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाई जाती है। डस्ट प्रोटेक्शन के लिए इस मशीन में इनबिल्ट डस्ट कंट्रोल लगाया गया है। नेक्स्ट, मशीन के फवारे के लिए 12 बार दबाव के पानी की जरूरत पड़ती है। बराबर पानी दबाव के पानी के मशीन चालू नहीं होता है। 1100 वोल्ट के सप्लाई पर चलाई जाती है। कंटीन्यूअस माइनर मशीन पर शटल कार भी लगाई जाती है, 1100 वोल्ट के सप्लाई पर चलाई जाती है। शटल कार का मशीन एक समय में 13.6 टन कोयले का वहन कर सकती है। इस मशीन में हाइड्रोलिक मोटर द्वारा केबल को अपने आप लपेटने की व्यवस्था की गई है। नोट्स में देखते हैं, जिसके कारण हाइड्रोलिक मोटर के कारण इसमें SGL में केबल मैन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, शटल कार में लगे केबल 200 मीटर की लंबाई का होता है, मगर शटल कार को चलाने की सुविधा दूरी 160 मीटर ही तय की गई है। सामान्यतः एक कंटीन्यूअस माइनर के साथ 2 शटल कार उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यह शटल कार लोडिंग अनलोडिंग के समय आपस में ना टकराए, इसलिए इनके रास्ते अलग अलग रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, टायर माउंटेड होने के कारण वही काम कर सकती है जहां ढाल इसका 1:8 से कम हो तथा तल्ली है नरम व पानी ना हो। क्षमता इसकी 10 से 30 टन हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें एक शटल कार होती है, इसमें 2 रख सकते हैं, बट उनके जो डायरेक्शन होते हैं डिफरेंट होना चाहिए ताकि वो जब चलती है तो एक दूसरे से ना टकराए। और एक बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट होता है, और पावर सेंटर और कंटिन्यूअस माइनर होता है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कंटिन्यूअस माइनर के बारे में जाना, जो आपकी आने वाले माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आज का वीडियो था। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।